हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डेंटल फ्लॉस के बारे में। लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि टूथब्रश कैसे करें। होपफुली आपको समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे पेज पे, सो दैट आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं डेंटल फ्लॉस के बारे में। जो मोस्ट कैविटी हमारे दांतों में लगती है वो लगती है हमारे इंटरप्रॉक्सिमल एरिया में। इंटरप्रॉक्सिमल एरिया क्या होता है? इंटरप्रॉक्सिमल एरिया और इंटरडेंटल एरिया इज द गैप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टीथ एंड दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द गम। इंटरडेंटल ऐसा स्पेस है जहाँ पे इजिली हमारा फूड डेब्रिज एक्यूमुलेट होता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द कैविटीज एंड गम प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इन दांतों के बीच। नो डाउट ब्रशिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट क्या होता है जो हमारे ब्रशेज हैं नॉर्मली इन एरियाज को क्लीन नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, टू कीप योर गम एंड टीथ हेल्दी यू मस्ट रिमूव द प्लाक फ्रॉम दिस एरिया एटलीस्ट वंस अ डे। दैट्स वाई वी रिकमेंड डेंटल फ्लॉस। सो टूडे आई एम गोइंग टू शो द सिंपल टेक्निक ऑफ डेंटल फ्लॉस। आप लोग या तो फ्लॉस थ्रेड यूज कर सकते हैं या तो हैंडल फ्लॉस यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके कंफर्ट पे। सो फर्स्ट आई विल टेल यू कि आप थ्रेड वाले फ्लॉस को कैसे यूज करें। अब आप क्या करेंगे, अराउंड 18 इंच का आप फ्लॉस ले लो एंड देन रैप अराउंड द इंडेक्स फिंगर ऑफ ईच हैंड। दोनों इंडेक्स फिंगर के अराउंड फ्लॉस को रैप करें। अब आप अराउंड 5 इंच का थ्रेड को छोड़ दें बिटवीन योर हैंड। पिंच द फ्लॉस बिटवीन योर थंब। अब थ्रेड को थंब के बीच रखो। नाउ दिस इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल। थंब का यूज तब होगा जब आप अपने अपर आर्च में फ्लॉस करेंगे और मिडिल फिंगर का यूज तब होगा जब लोअर आर्च में फ्लॉस करोगे। सो नाउ यू सी कि फ्लॉस को इंटरप्रॉक्सिमल एरिया में कैसे इंसर्ट करना है। यू पुट इट केयरफुली बिटवीन द टीथ। वी डोंट फ्लॉस लाइक अ सॉ। इंटरप्रॉक्सिमल एरिया के दो सरफेसेस हैं, ये दो वॉल्स हैं। सो फर्स्ट क्लीन वन वॉल, मेक सी शेप्ड अराउंड द साइड ऑफ द टूथ एंड स्लाइड इट अंडर द गम। अब इसे स्लाइड करके गम के अंदर ले जाओ, लेकिन ध्यान रखें कि आपका गम लैसरेट ना हो। क्लीन दिस वॉल बाय यूजिंग अप एंड डाउन मोशन साइड टू साइड अंटिल द सरफेस इज क्लीन। जब सारा प्लाक निकल जाएगा तब आपको एक स्क्वीक आवाज आएगी। देन आप अदर वॉल पे सेम प्रोसीजर करें अप एंड डाउन साइड टू साइड। इसी तरह हर दांत के इंटरप्रॉक्सिमल सरफेस को क्लीन करें। अपर आर्च कंप्लीट होने के बाद आप लोअर आर्च करें और यूज करें अपने मिडिल फिंगर को फॉर बेटर कंट्रोल। सेम प्रोसीजर है जैसे अपर का था, क्लीनिंग बोथ साइड ऑफ एवरी टूथ। हैंडल फ्लॉस को भी सेम वैसे यूज करेंगे जैसे आपने ये थ्रेड फ्लॉस को किया था। सेम मेथड है, सेम टेक्निक है और आप हैंडल फ्लॉस भी यूज कर सकते हैं। ये है कि बहुत हैंडी है, आप इसको कहीं भी कैसे भी इजिली यूज कर सकते हैं। आपके इसमें हाथ खराब नहीं हो रहे हैं, आपको अपने दो फिंगर्स को रैप नहीं करना पड़ रहा है, तो इट इज समवेयर इजी देन द थ्रेड फ्लॉस। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार फ्लॉस कर रहे हैं तो ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, दैट टू बी एक्सपेक्टेड इफ यू आर बिगनिंग टू फ्लॉस। बट आफ्टर वन वीक और रेगुलर फ्लॉसिंग प्रॉब्लम शुड गो अवे। सो गाइस, यू अंडरस्टैंड द ब्रशिंग इज जस्ट अ हाफ बैटल, सो डू प्रॉपर फ्लॉस टू क्लीन इंटरप्रॉक्सिमल सरफेसेस।